हेलो एंड वेलकम साथियों, आज एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली एग्जाम अपडेट पर, जहां पर हर वैकेंसी का अपडेट आपको सबसे पहले दिया जाता है। चिकित्सा विभाग की जो 5 भर्तियां अभी निकली हुई है उनको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, उसको लेकर डिटेल में बात करते हैं। 13 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो घोषणा की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाएँ देने वाले कोविड सहायकों एवं अन्य कर्मिकों को भी नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस ट्वीट को लेकर अभी कंफर्मेशन मिल चुका है। स्वास्थ्य विभाग में निकली हुई 5 भर्तियां नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन व रेडियोग्राफर की भर्ती में कोविड के दौरान काम करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान फिक्स कर दिया गया है। अब इस भर्ती में 15, 20 और 30 के बोनस के आधार पर बोनस अंक मिलेंगे, जिसके बारे में अभी डिटेल देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बलजीत यादव जी ने यह कंफर्म कर दिया है कि सीएचए को नौकरियों में 15% बोनस मिलेगा, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। यह जो घोषणा है वो केवल सीएचए के लिए ही नहीं है, इसमें आपको और भी जो साथियों ने कोरोना के दौरान काम किया था उनको भी 15, 20, 30 के हिसाब से बोनस देखने को मिलेगा, उसके बारे में कन्फर्मेशन देखते हैं हम यहाँ से। अभी जो खबर आई है उस पीडीएफ के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की 5 भर्तियाँ नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की जो भर्ती है उसके अंदर 15, 20 और 30 के बोनस के आधार पर इस भर्ती में बोनस अंक दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको 2 वर्ष और 2 वर्ष से कम यदि आपने कार्य किया है संविदा पर तो आपको 15 अंक बोनस के मिलेंगे, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम आपने काम किया है संविदा पर तो आपको 15 अंक और 3 वर्ष से अधिक आपने काम किया है तो आपको 30 अंक बोनस के मिलेंगे। अब कुछ साथियों को कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है कि यह जो बोनस अंक मिलेंगे वो 2 साल से कम तो बता दिया, लेकिन 2 साल से कम कितने दिन माने हैं जिसमें बोनस अंक 15 मिल जाएंगे। इस नियम को हम डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजमेश तथा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के उक्त पदों पर भर्ती हेतु कोविड 19 के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 तक संविदा आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत रहे तथा वर्तमान में निरंतर कार्य कर रहे हैं उन कर्मिकों को वर्ष 2023-24 मार्च 2024 को की जाने वाली भर्तियों में निम्नानुसार अवधि के आधार पर बोनस अंक दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है 22 मार्च 2020 से लेकर 13 फरवरी 2022 तक यदि आपने एक दिन भी संविदा पर काम किया है तो आपको पूरे 15 अंक बोनस के मिलेंगे, और यह सभी भर्तियों में होगा। लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ फार्मासिस्ट की भर्ती में भी यह बोनस अंक देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इन 5 भर्तियों के फॉर्म अभी जल्दी ही रीओपन होने वाले हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था 1 साल से कम का, वो बनवा के अपना अपलोड कर पाएंगे, जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो साथी करेक्शन डेट का वेट कर रहे हैं उनको बता देना चाहूँगा, पहले फॉर्म रीओपन होंगे उसके बाद में करेक्शन डेट आएगी, बिना रीओपन हुए करेक्शन डेट नहीं आएगी, ये अब 100% श्योर हो चुका है। जैसे ही इन भर्तियों से संबंधित कुछ नया अपडेट मिलेगा मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा, तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।